संदीप भाई बाखड़ी के रेट में है, क्या है ताजा लेकिन बाखड़ी के रेट में। क्या कुछ कीमत रखोगे सर? भैया इसके 72,000 रुपए बिल्कुल फिक्स देने वाले, 72,000 देने वाले हैं। ये संदीप भाई तीसरी बार भी आई है, बहुत बढ़िया, और 8 दिन की भी आई हो गई आज। हाँ हाँ, और आज 8 दिन की भी आई के नीचे मेरे हिसाब से 12 से प्लस दूध है 13 मान लो आप, ठीक है, लीटर 13 है, कांटे का 12 के आसपास होगा, 12.5, 12.5, 200, 300, ठीक है। बच्चा नीचे कटड़ा है, कटड़ा नीचे है जी, HLDB के सीमन का कटड़ा है, ठीक है। और पिछली बार इसने 15 किलो कांटे का तोल का दूध दिया था दूसरे बयान। हाँ, मैंने बेची थी 1,32,000 रुपए की, कांटे का तोल का दूध निकाल के 15 किलो। जी जी, यह जोटी भी तीसरा ब्याह होगी। अच्छा, मेरे गांव में थी ये, ठीक है, पहली बार में इसने दूध दिया 14 प्लस 14 प्लस। हाँ, 200-300 ग्राम, 14.5 भी हो गया होगा, ठीक है। और दूसरे ब्याह में दिया इसने 17 किलो दूध, 17 किलो। हाँ, ओरिजिनल, बहुत बढ़िया, पंचायती बुल से प्रेग्नेंट है ये जी। और अब इसके टाइम रहेगा 23 तारीख को पूरा करेगी, ठीक है, 23 जून को। जी जी, बिल्कुल सराफत में है, और आज की डेट में 12 किलो दूध कांटे का तोल का है, बहुत बढ़िया। अब मिल्किंग दिखाएंगे, अगला 3 टाइम मिल्किंग करके ले जा सकता है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत वाली न्याणे की है बिल्कुल जी, साफ चुहाई है बिल्कुल, नीचे बछड़ा है। तो कितने दिन की ब्याई होगी सर? लगभग हो गई 10 दिन की ब्याई हो गई, 10 दिन की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो एक बार फिर से पशुपालकों के सामने जबरदस्त अर्डर क्वालिटी की शानदार जो बफलो है, थर्ड टाइमर बफलो हम कह सकते हैं, लेकर के आए हैं। एक जो ग्याबिन बाखड़ी है वो हम कह सकते हैं वो, और साथ में जो एक अच्छी सुंदरता से भरपूर हरियाणा देसी नस्ल का जो गोधन है आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल ताजा ब्याय हुआ 3 पशुधन आपको देखने को मिलेंगे। साथ में एक जो बाखड़ी भैंस और है जिसका दूध लगभग लगभग निकल चुका है, वो भी आप सब पशुपालकों को दिखाएंगे। बात करें इस डेयरी फार्म की, जब जब यहाँ पे पहुंचे कुछ ना कुछ अल्टीमेट चीजें हर बार आपके सामने निकल निकल करके आई हैं। आज भी अच्छा पशुधन रेफरेंस के लिए जो 2 मिल्किंग वीडियोस हैं वो भी आप सब पशुपालकों को दिखाएंगे। जिला रेवाड़ी का गांव है निमोट, एक ही लोकप्रिय चेहरे कृष्ण निमोट सर के फार्म से आज का पशुधन आ रहा है जी, और उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सर ने जी जान लगा रखी है, काफ़ी अच्छी जो झोटियाँ हैं निकाल निकाल करके लाए हैं। ये जो पशुधन है आप देखिएगा, जबरदस्त अर्डर क्वालिटी में, चेहरे मोरे की बनावट आप देख लीजिएगा, बिल्कुल ताज़ा ब्याई हुई है। तो सीधा जो इनके ओनर हैं उनके पास लेकर के चलते हैं, जानेंगे डिटेल्स। कृष्ण जी नमस्कार है सर। नमस्कार संदीप भाई साहब, कैसे हो जी? बिल्कुल बढ़िया भाई साहब। तो कैसा काम वाम चल रहा है सर? काम बढ़िया चल रहा है भाई, ठीक है। हाँ जी। आज कितने पशुधन दिखा रहे हो? आज अपने पास है भैया 3 भैंस 1 गाय, ठीक है। हाँ, तो ताजा क्या सोच करके लाए? वैसे मार्केट ताजा में से डिमांड काफी आ रही भैया, फोन बहुत ज्यादा आ रहे थे। हाँ हाँ, तोकड़ तोकड़ हर बार तोकड़ हो रही थी, बोल रहे की बार ताजा भैंसे नहीं मिल रही। क्या आपकी आज एक दो वीडियोस मैं दिन में चेक कर रहा था नॉर्मली चैनल पे जी, तो काफी भाइयों के कमेंट्स भी थे कि कटड़ियों की वीडियो लेकर के आओ। कटड़ी भाई है कम, अगले कटड़ियों की वीडियो बनाएंगे 1-2 दिन बाद 4 दिन बाद। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो 3 पशुधन दिखा रहे हो आज? हाँ संदीप भाई, 3 है। हाँ ठीक है। अब की बार जो ये 2 जोटी तो अपनी देखी वाली है। हाँ, एक तो मेरे गांव में थी, ये भी पहले मेरे गांव में थी, मेरी बेची हुई है, ठीक है, पिछले ब्यात भी और इनके ब्यात में बेची है मैंने जी। ये संदीप भाई तीसरी बार भी आई है, बहुत बढ़िया, और 8 दिन की भी आई हो गई आज। हाँ हाँ, और आज 8 दिन की ब्याई के नीचे मेरे हिसाब से 12 से प्लस दूध है 13 मान लो आप, ठीक है, लीटर 13 है, कांटे का 12 के आसपास होगा, 12.5, 12.5, 200, 300, ठीक है। बच्चा नीचे कटड़ा है, कटड़ा नीचे है जी, HLDB के सीमन का कटड़ा है, ठीक है। और पिछली बार इसने 15 किलो कांटे का तोल का दूध दिया था दूसरे बयान। हाँ, मैंने बेची थी 1,32,000 रुपए की, कांटे का तोल का दूध निकाल के 15 किलो। जी जी जी, कहने को तो 18-17 भी कह देखो, ऑर्डर की अच्छी है, साफ सुथरी है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो ओरिजिनल बातें हैं वही बताई जाएंगी, ठीक है। तो थर्ड लैक्टेशन में पशुधन आप देख सकते हैं, सबसे पहले चेहरे मोरे से शुरुआत करते हैं, छोटा सींग है माथे पे जमता हुआ, और एक जो कॉम्पैक्ट साइज का जो पशुधन होता है वो आप देखिएगा। बात करें अर्डर क्वालिटी, आगे नाभि से लेकर के पीछे मूत्र मार्ग तक का सटा हुआ पैरों के बीच का अर्डर, टिट स्पेसिंग है वो इसमें आप देख सकते हैं, जबरदस्त टिट स्पेसिंग लेकर के 4 अर्डर से साइड की जो टिट स्पेसिंग है वो आप देखिएगा, पीछे से जो थनों का गैप है वो इसमें आप देख सकते हैं, और कुछ इंच तक पूंछ में नाम मात्र के जो सफेद बाल हैं वो कोई होगा आधा इंच पूंछ होगा सफेद मेरे हिसाब से। 15 किलो जो दूध है उसकी रिपोर्ट सेकेंड लैक्टेशन में रही है, आज 8 दिन की ब्याई के नीचे 12 किलो जो दूध है, 12 प्लस जो दूध है मौके पे तैयार है। कृष्ण जी क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो सर? कितना दे देगी अब की बार ये? फिर
भैया मेरे हिसाब से 16 किलो दूध देना चाहिए। 16 किलो अगर बारिश हो गई 10-5 दिन के अंदर, हाँ, तो 16 आराम से देगी। आराम से अभी मेले से नहीं लगी है, ठीक है। 8 दिन की ओरिजिनल ब्याई है जी, अच्छी तरह ब्याई, अच्छी तरह जेर डाली है, बाकायदा जेर की इसकी वीडियो भेज देंगे, अगले को दिखा सकते हैं, ठीक है। और इसके तो ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, दो ब्यात मेरी देखी हुई है, ठीक है। हाँ जी, तो खाने पीने में सर कैसे है? खाने पीने में बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल एक नंबर की। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है। धार चुवाई की गारंटी, बहुत फुली चुवाई है, बहुत अच्छी है, ठीक है। हाँ, अब एक मिल्किंग तो दिखाएंगे, हाँ, लेकिन अगला अपना दो टाइम देख सकता है, एक समय का दूध हम अभी दिखा देंगे। हाँ ठीक है, तो कीमत इसकी बाद में ही डिसाइड करेंगे, एक समय की मिल्किंग के टाइम कर देंगे, वो आप सब पशुपालकों को दिखा दी जाएगी। तो फिर से जो छोटी है आप देखिएगा, हर एक तरीके से जबरदस्त जबरदस्त जो झोटी है वो नीचे मेल काफ जो कटड़ा है आपको देखने को मिलेगा, और सबसे जबरदस्त इसमें जो अर्डर है, अर्डर आप देख सकते हैं, आज भी जबरदस्त लांड पांड के साथ जो अर्डर क्वालिटी है वो देखने को मिल रही है। तो दूसरे नंबर के पशुधन पे चलते हैं सर, इसकी क्या कुछ संदे भाई, या झोटी भी तीसरा ब्याह होगी। अच्छा, मेरे गाँव में थी ये, ठीक है, पहली बार में इसने दूध दिया 14 प्लस 14 प्लस, हाँ 200-300 ग्राम, 14.5 भी हो गया होगा, ठीक है। और दूसरे ब्याह में दिया इसने 17 किलो दूध, 17 किलो, हाँ ओरिजिनल, बहुत बढ़िया, पंचायती बुल से प्रेग्नेंट है ये जी। और अब इसके टाइम रहेगा 23 तारीख को पूरा करेगी, ठीक है, 23 जून को जी, टाइम काफी बच रहा है झोटी में, हाँ हाँ, अभी 15 दिन 13-14 दिन बच रहे हैं जी। बहुत भारी जबरदस्त ऑर्डर की है, उससे भी काफी ऑर्डर बनाएगी जी, बहुत अच्छी ऑर्डर की है। तो ये देखिएगा थर्ड लैक्टेशन में एक और जो बफलो आई है, बिल्कुल छोटा सींग है माथे पे जमता हुआ, कॉम्पैक्ट साइज में ये भी, और अभी 23 तारीख को 23 जून को जो समय है कंप्लीट हो रहा है इसका, 10 पूरे करेगी। आज वीडियो है, हम लोग 9 तारीख को यहाँ से कवर कर रहे हैं, यानी कि 14 से 15 दिन का समय बचता है। बाकी फर्स्ट टाइमर ने कितना दूध, 15 किलो दूध आप बता रहे हैं, ये लगभग दिया पहली बार में, दूसरी बार में 17 लीटर दिया है ओरिजिनल जी जी, बाकायदा अगला एड्रेस ले सकता है, नंबर भी दे सकते हैं, मेरे गांव में से खरीद दिए, ठीक है सर। दूसरा खुट्टा ही मेरा देखा है इसने, बहुत बढ़िया। तो सेकंड लैक्टेशन में 17 किलो दूध, अब थर्ड तीसरी बार भी आएगी, काविंग करेगी। और पशुधन आप देख लीजिएगा, जबरदस्त लांडपान, जबरदस्त स्पीड बॉडी वेट है वो, अर्डर की क्वालिटी आप देख सकते हैं, 14 से 15 दिन का जो समय है बचता है इसमें, और भी अच्छा जो अर्डर है वो देखने को मिलेगा। साइड से टीट स्पेसिंग आप देख लीजिएगा, मजबूत डेवलप्ड जो थनों के कूप हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो कृष्ण जी क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो सर, अब की बार कितना दूध इसने देना चाहिए? भाई 17 प्लस ही रहेगा संदीप। अच्छा, 18 भी दे सकती है, 100-200 ग्राम कम ज्यादा भी दे सकती है, ठीक है, 17 प्लस तो रहेगा रहेगा। तो पंचायती बुल से इसको, हाँ पंचायती बुल से प्रेग्नेंट है, अपने गाँव में थी और यहाँ से ही है मतलब। तो बात करें सर कीमत मूल भाव, भाई इसका आज का रेट है, यानी कि आज 13 दिन ब्याने के है ना, 1,35,000 रुपए इसका, 1,35,000 रुपए, हाँ जी भाई साहब, ठीक है। तो देखिएगा, मैं कहूंगा जो ताजा ब्याए हुए पशुधन या जो ब्याने वाले हैं, जो रेट हैं आसमान छू रहे हैं, आजकल जो व्यापार वर्ग के हमारे भाई हैं, अगर किसी कच्चे खुट्टे पे जाते हैं तो कम पूंजी का पशुधन उनको भी कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता, और इसीलिए जो अच्छा खासा जो उछाल है भावों में, दामों में पशुधन के प्रति, वो आपको देखने को मिल रहा है, 1,35,000 रुपए जो कीमत है। संदीप भाई 18-17 तोल देगी जिस दिन, तो 1,60-70 की झोटी है, बिल्कुल बिल्कुल, बहने के बाद तो ये आज का रेट है बिल्कुल। मैं कहूंगा 15 दिन का समय बचता है, 1,35,000 रुपए। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही आपने वीडियो देखी, मैंने एक वीडियो कवर करी थी सर गुड़गांव के दौलताबाद में, अच्छा जी, 1 महीना उसका ब्याने का था, 1,55,000 कीमत रखी थी उसकी, और 1,55,000 रुपए में 1 महीना ब्याने का बचा हुआ था, फिर भी वो सेल हो गई, देखी थी तो देखिएगा भैया, उससे भी उस भाई से भी मतलब उस वैसे भी अच्छी बनेगी, अटर में कम नहीं रहेगी ये, ये देखो जी बहुत साफ सुथरी है, बिल्कुल ये देखो, तो शराफत से भरपूर बहुत, और सिलवटे हैं अडर है इसकी ऊपर तक जाती हुई अडर में, तो सीधी सी बात है अडर अच्छा खासा इसमें देखने को मिलेगा। 1,35,000 रुपए जो कीमत जो कॉस्ट है वो इन्होंने रखी है। पीछे चलते हैं कृष्ण जी, गाय गोदन पे, ये वही गाय भाई, ये वही गाय जो अपने पहले हनुमानगढ़ से आई थी, ठीक है, हकीकत में धनी एक नंबर का था, ईमानदार, हाँ हाँ, मतलब गाय ने दूध तो 16 किलो निकालना था इसने जी, फिर ये ब्याई तब इसने जेर टूट गई इसकी, आधी जेर आई, ठीक है, और जेर अब ये फ्रेश हो गई है बिल्कुल, हाँ, हमने इसकी बात हो गई लेकिन किसी को दी नहीं जी, बिल्कुल शराफत में है, और आज की डेट में 12 किलो दूध कांटे का तोल का है, बहुत बढ़िया। अब मिल्किंग दिखाएंगे, अगला 3 टाइम मिल्किंग करके ले जा सकता है, ठीक है ठीक, कोई दिक्कत वाली न्याने की है बिल्कुल जी, साफ चुवाई है बिल्कुल, नीचे बछड़ा है। तो कितने दिन की ब्याई होगी सर? लगभग हो गई 10 दिन की ब्याई हो गई है, 10 दिन की अपने घर ब्याई है जी। ब्यात की बात करें तो
दूसरा ब्यांत है भाई। सेकंड टाइमर जो गाय जो गोधन है आप देखिएगा, गंगानगर राजस्थान से दो गाय लेकर के आए थे, हनुमानगढ़ से, सॉरी हनुमानगढ़ से, और गाय है आप देख सकते हैं लेकर के, चेहरे मुरे की बनावट से, कदकाठी हाइट लेंथ है आपसे, पशुपालन सराफत के मामले में तो मेरे हिसाब से तो कोई हजार गायों में एक गाय होगी। जी जी, और ठंडे पन में जो गाय जो गोधन है बिल्कुल ताजा ब्याई हुई। नीचे जो मेल काफ जो बछड़ा है आपको देखने को मिलेगा, ये बछड़ा आप देखिएगा मौके पे 12 किलो जो दूध है। हाँ जी भाई साहब, दो टाइम निकाले, तीन टाइम निकाले, अगला गारंटी है इस चीज की। ठीक है कृष्ण जी। हाँ जी भाई, तो सर बात करें कीमत मूल्यभाव आज के दिन क्या कुछ कीमत संदीप भाई, इसके बिल्कुल फिक्स रेट है 55,000 रूपए। 55,000 रूपए में गाय देनी है, बिल्कुल देनी है 55,000। ठंडे स्वभाव की गाय, और पहले 55 में इसका सौदा हो गया था, फिर ये ब्याह गई जी, उस दिन फिर मैंने सोची जेर डाल देंगे तब इसको भेज देंगे, इसने जेर डाली नहीं, हमने उसको मना कर दिया। ठीक है सर, अब ये बिल्कुल फ्रेश हो गई जी, साफ हो रही जेर अंदर थी इसके, बहुत बढ़िया, अब साफ है बिल्कुल ये। तो 55,000 रूपए कीमत जो कॉस्ट है जो गाय की वो। हाँ, और एक और जो बाकड़ी भैंस है आप बता रहे हो, ये संदीप भाई जी 1.5 महीने की ब्याई है ये। ठीक है, पिछली बार इसने दूध दिया है 15-16 किलो, 15-16। अब की बार जो भी ब्याई जो कोई गड़बड़ हो गई है, उड़ा गई बच्चा बुच्चे में दिक्कत हो गई, तो ये ब्याई थी डॉक्टर ने, इसने बच्चा नहीं लिया ये, तो ये है इसका कटड़ा है, एज है। हाँ कटड़ा है, कोई एज है ये। अच्छा, इससे दूध नहीं देती, कोली पे दूध देती है। ठीक है, चाट डाली। हाँ, और थन धार मारते ही दूसरी धार में पहुंचाएगी। अच्छा, 8 किलो कांटे का तोल का दूध है। ठीक है, कोई भाई 3 टाइम दूध देख सकता है अपने यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया। ये 10 दे या 9 दे या 8.25 दे या 8 ही दे, बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते आज की डेट में ये दूध है। तो कृष्ण जी 1 महीने की ब्याई हुई है ये, 25 तारीख को 1 महीने को, 1 महीने की 25 तारीख को ब्याने से कोई 1 हफ्ते पहले इसके 1,20,000 रूपए लगे हुए हैं। ठीक है। हाँ जी, तो ब्याह की बात करें तो ब्याह तीसरा है, तीसरा अब तीसरा, हाँ ब्याह रखी है तीसरी है। आज मौके पे 8 किलो दूध कांटे का तोल का है। ठीक है, दोनों समय का जो दूध है वो सुबह 5 बजे निकालते हैं, शाम को 4 बजे चाट डाली निकाला। तो निकाला कम दूध, कारण क्या है, मतलब सेट नहीं हुई या के कुवेज है, ये जो बिवाई है ना, ब्याई नहीं है, इसमें कोई दिक्कत होगी। तब ये बच्चा भी छोड़ गई, इन्फेक्शन काफी दिन रहा है इसके, तो ये खराब हो गई थी। ठीक है, लेकिन ये भैंस अगले साल अच्छी निकलेगी पहले की तरह। क्या कुछ दूध की रिपोर्ट पिछले ब्याह की, 16+ दूध दिया, 16+ दूध, हाँ बहुत सीधी भैंस है, बहुत सीधी। तो पशुधन देखिएगा, कभी कभार हो जाती हैं चीजें, कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं कहूंगा 8 किलो दूध मौके पे तैयार है, और जो बच्चा है उसको संदीप भाई बाखड़ी के रेट में है, क्या है ताजा, लेकिन बाखड़ी के रेट में। क्या कुछ कीमत रखोगे सर भैया इसके? 72,000 रूपए बिल्कुल फिक्स देने वाले, 72,000 देने वाले हैं जी। हाँ जी, तो पशु गरीब किसान के मतलब की है, पीठ बॉडी वेट, चेहरे मोरे की जो बनावट है वो आप देखिएगा, और डोका करण लाएगी 3 दिन होगा, एक दो दिन 4 दिन बोली भी जाएगी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो 72,000 रूपए में जो पशुधन है वो आप सब पशुपालकों के सामने, तो रेफरेंस के लिए जो मिल्किंग वीडियो है वो आप सब पशुपालकों के सामने लेकर के आए हैं। जो बफलो है, थर्ड टाइमर बफलो आप यहाँ पे देखिएगा, साथ में जो एक गाय है गोधन है पीछे आप देख सकते हैं, इसके नीचे भी जो बछड़ा है वो छोड़ दिया जाएगा। हमेशा एक कोशिश एक प्रयास रहता है पशुपालकों के बीच में, जितना भी पशुधन दिखाएं समय रहते अगर टाइम मिलता है तो डेफिनेटली एक समय की जो मिल्किंग है वो आपसे भाइयों को देखने को मिलती है। दोनों पशुधन आप देखिएगा, दोनों के नीचे हेल्दी मेल काफ्स आपको देखने को मिलेंगे। जो बफलो है इसके नीचे जो कटड़ा है आप देख सकते हैं दूध पी रहा है, साथ में जो गाय जो गोधन है इसके नीचे शानदार जो बछड़ा है, न्याणे की जो गाय है वो, और सुंदरता से भरपूर दोनों पशुधन, जबरदस्त लांडपान। तो रेट बफलो का पेंडिंग में बचता है, जैसे ही जो मिल्किंग जो दूध निकल जाएगा तो इसका भी जो रेट है वो आप सब भाइयों को बताया जाएगा। तो पोसाव है गाय का गोधन का आप देखिएगा, डेवलप्ड जो थनों के कूप हैं वो इसमें निकल करके आए हैं। और कृष्ण जी थोड़ा सा साइड हो के एक बार दोनों थनों की धार आगे वालों की और पीछे वालों की दिखा देना, ये आप देखो जी थनों के जो कूप हैं वो आप सब पशुपालकों के सामने। और गाय है काफ़ी अच्छी गाय, देसी नस्ल का गोधन, काफ़ी सारे पशुपालकों की फ़ोन कॉल्स रिसीव होती थी कि गाय भी कहीं ना कहीं दिखाइए, और उसी तर्ज पे जो गोधन है गाय है वो आप देखिएगा। बफलो है, बफलो का भी ध्वज पोसाव आपको दिखाएंगे, तो एक बार खाली बाल्टी आप दिखा दीजिएगा। और हाँ बहुत बढ़िया, तो अगले थनों की एक बार धार मार के दिखा दीजिएगा, कोई बात नहीं, सही है ये, कोई दिक्कत नहीं। देख भाई ये देखो जी, उस दूसरे वाले थन, ये देखो जी मोटी धारें इसमें आपको देखने को मिल रही हैं, और पीछे वाले थनों की जो धार है वो आप देख सकते हैं। ठीक है सर, निकाल लो। तो कैलाश जो इनके सुपुत्र हैं वो खाली बाल्टी दिखा रहे हैं, और जो बफलो है इसका भी ध्वज पोसाव एक बार दिखा देते हैं, थनों के कूप और अगले थनों की धारें। बेटा पीछे वाले की और एक बार मार के दिखा दो, ये देखो जी जबरदस्त धारें,
दोनों पशुधन में काफ़ी अच्छी जो धार चुवाई है वो देखने को मिल रही है और शराफत से भरपूर दोनों जो ठंडे जो पशुधन है वो, और एक समय की जो रेफरेंस के लिए जो मिल्किंग वीडियो है वो पशुपालकों के बीच में निकाल करके लाए हैं। तो हमारा काम है पशुधन आपको दिखाना। एक ही बात कहूँगा, खुद आएँ, पशुधन हो या फिर भैंस हो या फिर गाय हो, खुद अपने हाथों से चुवाई वगैरह है जाँच परख करके पशुधन को लेकर के जाएँ। भरोसे की जगह है, भरोसे का डेयरी फार्म है। वैसे अगर किसी भाई ने साई भी डाल दी और पशुधन उसको नहीं भी दे पाए तो इन्होंने उसकी जो टोकन अमाउंट है उसको भी वापस किया है। ऐसा नहीं है कि टोकन अमाउंट खा गए या और कोई बात इस तरह की है। और पिछले 2 से 3 साल से इनसे लगातार हम लोग जुड़े हुए हैं। तो कटड़ियों के एक लोकप्रिय चेहरे मैं कहूँगा, कटड़ियों की बात आए या फिर जब बाकड़ी भैंसों की बात आए, हर बार हर तमगे का जो पशुधन है पशुपालन बीच में इन्होंने उतारा है। अगले थनों का दूध अगाड़ी आप देख लीजिएगा। कृष्ण जी कितनी होगी भैंस में? भाई 1.25 किलो तो ऊपर से 1.25 किलो के करीब। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये आप देखिएगा, तो धार चुवाई है दोनों की, काफ़ी अच्छी धार चुवाई है और उम्मीद करेंगे जो मिल्किंग वीडियो है वो आप सब पशुपालकों को ज़रूर पसंद आएगी। तो ये आप देखिएगा सुस्पष्ट जो सटीक धारे हैं, बाल्टी में जो दूध है भैंस का आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह की बफलो, इस तरह की जो भैंस है वो आप देख सकते हैं। तो कोई भी पशुपालक आए, जितने मर्जी समय का दूध देख करके ले जाए, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन, कोई एतराज़ नहीं। और अच्छा अच्छा पशुधन गर्मी के मौसम में भी आप सब पशुपालकों के बीच में निकाल करके ला रहे हैं। हमारी तो मेहनत यही है, हमारी से कहीं ज़्यादा मेहनत हमारे जो पशुपालक भाई हैं, चाहे नॉर्मल में हो या फिर मैं कहूँगा व्यापार वर्ग के जो हमारे पशुपालक भाई हैं, इनकी है। क्योंकि एक एक पशुधन को निकालने में काफ़ी मेहनत, काफ़ी मशक्क़त, और पशुधन ऐसे ही नहीं निकलता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के सेलेक्टेड जो चीज़ें हैं वो आप सब भाइयों के बीच में निकल निकल करके आ रही हैं। खाने पीने में अच्छी, शराफत से भरपूर एक थर्ड टाइमर जो बफलो है वो आप देखिएगा। गाय है, सेकेंड लैक्टेशन में गाय है, और दूध है आप सब भाइयों के बीच में आ जाएगा। 12 किलो के करीबन जो दूध है बता रहे थे, तो देखिएगा दूध को निकालने में जरा सी भी देर नहीं लगी। मैं कहूँगा इससे पता चलता है बिल्कुल जो फुल्ली चुवाई का पशुधन है, जो गोधन है, वो आप सब पशुपालकों के बीच में। बात करें बफलों की, भैंस की, तो भैंस भी आप देख सकते हैं बाल्टी है, लगभग लगभग ऊपर की तरफ बढ़ती हुई आप देखिएगा। तो आज 8 दिन की ब्याई हुई है और 8 दिन की ब्याई में भी काफ़ी अच्छा दूध, काफ़ी अच्छी जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छा अच्छा पशुधन है वो। संदीप भाई शराफत के लेके तो गाय हरे कैसे नहीं पाया कर इसनु? बिल्कुल बिल्कुल, 1 घंटा तो इनू दूध काट दो, एक हाथ तक काट दारो कैतरा भी। जी जी जी, या चीज तो एक नंबर की भाई, तो शराफत का मामला। अडर का झड़ाव सबसे पहले आप देख लीजिएगा, गाय में काफी अच्छा जो झड़ाव है। बाकी अपना कोई भाई अपना 2 टाइम काट के लिया जाए जी। 55,000 रुपए में गाय जो कीमत जो कॉस्ट है वो, और बफलो का जो प्राइस है वो आप सब पशुपालकों के बीच में आ ही जाएगा। तो काफी अच्छी वीडियो, काफी अच्छा जो पशुधन है आज की स्पेशल वीडियो में आप सब पशुपालकों के बीच में लेकर के आए हैं। तो भैंस की मिल्किंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई, बाल्टी में दूध आप देख सकते हैं। गाय है, गाय की मिल्किंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बच्चे के लिए ज़रूर मैं पिला देंगे भाई, यहाँ पे दूध छोड़ा हुआ है और कटड़ा है, कटड़े को ज़रूर छोड़ेंगे। बछड़ा, बछड़े के लिए भी छोड़ा है, बाद में पिला दोगे? ठीक है जी। तो ये देखो जी,
कैलाश बेटा एक बार पलट लो, तब तक आपके डैडी हैं। खाली बाल्टी दिखा दो, दो तीन बार पलट दो तब तक। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखो जी, दूध है भैंस का, 8 दिन की ब्याई हुई में जो दूध, वो गाय का दूध है, वो भी आ चुका है। तो किच्चा है, पलट दो भाई। ठीक है, लीटर, 1 लीटर है ये? हाँ, 1 लीटर भाई। ठीक है, एक बर्तन लिया कोई वैसे बेटा। खाली लीटर एक बार दिखा दो उसे। देख भाई संदीप। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक दो दो तीन चार चार पांच जी छः छः सात। तो आप तो 13 लीटर बता रहे थे। हाँ भाई, वो बच्चा ने इतना पिला, एक आधा पौन घंटा लेट हो रही है भाई। ठीक है, ठीक, 7:30 रहेगा ये तो वैसे तो, बाकी 12 किलो से काटा का तोल से भाई 12.5, 12.800, 7, 13 और 12 के बीच में काटा का तोल को दूध से कोई भाई अपना 2 टाइम 3 टाइम काट सके। बहुत बढ़िया। तो और अभी बच्चा का दूध बच रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, अटर का झड़ा हुआ आप देखिएगा, बच्चा है अभी भी यहाँ पे दूध पी रहे हैं। अब आते हैं गाय के दूध पे। तो गाय का दूध और गाय की एक खास क्वालिटी, बिल्कुल दूध सफेद से भाई। बिल्कुल। और करो भाई एक बार। हाँ पलट दो, कोई एक और पलट बेटा। ठीक है कृष्ण जी, माप दो। एक जी दो तीन तीन चार चार पांच पांच ये देखो जी छः जी और अरियो 6:30 भाई जी जी 6 से प्लस जो दूध हाँ। है वो, और दोनों पशुधन हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो कृष्ण जी अब बात करें, जो भैंस जो बफलो है इसका रेट बचता है क्या, कुछ मोल भाव करोगे एक बार बता दीजिएगा। संदीप भाई इसका तो रेट बता ही दिया था। हाँ हाँ, इसका रेट भाई 1,40,000 रुपये है। इसका रेट 1,40,000। हाँ ठीक है, और कोई भाई इकट्ठी लेगा ना हाँ हाँ, तो मतलब कुछ कर देंगे। 1,40,000 रुपये और 1,35,000। हाँ, और इकट्ठी लेगा तो 2,65,000 का जोड़ा दे देंगे। 2,75,000 बचते हैं, उसमें भी 10,000 का डिस्काउंट लेस कर देंगे। 2,65,000 का जोड़ा। ठीक है ठीक है। तो चलिए कृष्ण जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत अच्छी भैंसे, बहुत अच्छा पशुधन आज की वीडियो में आपने दिखाया। और जो संपर्क सूत्र हैं वो रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे संपर्क कीजिएगा। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।